आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो एक्सरसाइज मिसलेनियस है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको सारे जो क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं वो रिपीट होंगे, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 0100 और हमने शो करना है कि ए आई प्लस वी ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए पावर एन माइनस ए इंटू बी इंटू ए। तो हमारे पास यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन है ए, ये एक मैट्रिक्स है 0100, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने शो करना है ये वाला टर्म, यहाँ पे देखिए ये जो ये मेरे पास जो टर्म लिखी है, हमने इसे शो करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज करेंगे। तो आपने प्रीवियस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिपीट कर देता हूँ। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है हमने पुट करना है एन इज इक्वल टू वन और प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने अज्यूम करना है, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे किसके लिए, एन की वैल्यू के लिए, ओके। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमने कि एन जो है वो के प्लस वन के इक्वल है। तो अगर हमने ये तीन स्टेप प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर वन बाई वन हम लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, हमें फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए आई प्लस बी ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। यहाँ पे जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं ये आपके कांस्टेंट हैं और जो आई है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2 है, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला क्या काम करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे और देखेंगे क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखिए जी, ए इंटू आई प्लस वी इंटू ए इज इक्वल टू, अब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन गई, 1, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाएगी। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। यहाँ पे देखिए ए की पावर एन है तो ए की पावर 1 आ जाएगा, तो मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ आगे, प्लस यहाँ पे एन है 1 आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन है तो एन की जगह पे आप 1 लिख रहे हैं तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, और ए की पावर 0 दैट इज 1, यहाँ पे आपके पास ये 1 आ जाएगा पूरा, बाकी बच गया बी और ए। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू है जी, तो रिजल्ट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया जी, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं एन इज इक्वल टू के। तो इसमें हमने क्या करना है,
जहां जहां पे भी एन है आपने वहां पे के जो है रिप्लेस कर देना है। तो करें के रिप्लेस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां देखिए ए आई प्लस बी इंटू ए पावर के इज इक्वल टू ए पावर के इंटू आई प्लस के ए पावर के माइनस वन इंटू बी कैपिटल ई। ठीक है जी, तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि हमने अब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, तो हमने एन इज इक्वल टू के प्लस वन हमने प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो टर्म है ये मैं ले रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले यहां पे। तो मेरे पास आ गया ए आई प्लस बी इंटू ए और होल पावर कितनी आ जाएगी जी, के प्लस वन। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ली है और हम यहां से राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए, तो अब देखें ए आई प्लस वी ए पावर के प्लस वन, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं जी, ध्यान से देखें, ए आई प्लस बी इंटू ए होल पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर वन। तो आई थिंक यहां पे आपको कोई डाउट नहीं है कि मैंने ये जो पावर है इसे अलग कर दिया है। आपने जब रियल नंबर में भी पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे देखिए ए की पावर अगर एम प्लस एन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए एम मल्टीप्लाई ए पावर एन। ये रिजल्ट आप पहले भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ए आई प्लस बी इंटू ए होल पावर के है इसकी वैल्यू आपने फाइंड की है सेकंड स्टेप में। आप ध्यान से देखें, आपने जो सेकंड स्टेप किया है ये देखें, ये आपका सेकंड स्टेप है जी। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के है इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट कर रहे हैं जी, ए की पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ई। समझाया मैंने क्या किया कि ये जो टर्म थी इसकी वैल्यू मैंने सेकंड स्टेप से ले ली है और यहां पुट कर दिया है, और ये जो सेकंड है ए आई प्लस बी ए मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप एलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, हम सेम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं ए की पावर के इनटू आई को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें जी, तो ए के और ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मैं ए की पावर को के प्लस वन लिख सकता हूं और आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई मल्टीप्लाई आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा और उसे हम वन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे आई लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकेंड टर्म है ये वाली, इसे अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, आपका के क्या आ जाएगा, ए की पावर के माइनस वन है और यहाँ पे ए की पावर वन है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर के, क्योंकि माइनस वन और प्लस वन जुड़े हो जाएगा, आपके पास के बचेगा और साथ में बचेगा आपके पास बी ए। ओके, और आप चाहे तो आई जो है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स होता है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया जी।
अपना k एज इट इज आ गया, a की पावर k माइनस वन इंटू के, तो यहां पे a की पावर k, b a जो है वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट प्लस, अब क्या करेंगे, a की पावर k i को आप सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें ये आ गया जी a की पावर k इंटू बी इंटू ए, ठीक है, ए की पावर के इंटू बी इंटू ए, और आप आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी जो ओरिजिनल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगी। और फोर्थ वन क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंड वाले को हम करेंगे इसके सामने, तो क्या आ जाएगा के का के और ए की पावर के माइनस वन, ठीक है, और बी को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर बन जाएगा और साथ में क्या है ए स्क्वेयर। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया है। ओके चलिए नेक्स्ट देखें, अब यहां पे कहीं पे भी जो है ए स्क्वेयर नहीं है, आपके पास जो है ए स्क्वेयर यहीं पे है हमारे पास, ठीक है, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। ये ए स्क्वेयर 0100 यहाँ पे 0100, चलो यहाँ आपको दिख रहा है शायद, चलिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये मेरे छुप रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जीरो को जीरो से किया जीरो, वन को जीरो से किया जीरो, चलिए फर्स्ट एलिमेंट जीरो आ गया। सेकंड देखिए, जीरो को वन से किया जीरो, वन को जीरो से किया जीरो, तो जीरो, यहाँ पे सेकंड रो को लें जीरो और ये जीरो जीरो, जीरो को जीरो से किया जीरो अगेन, फिर यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे जीरो दैट इज जीरो, जीरो दैट इज जीरो, तो आपके पास जो है ए स्क्वेयर जो है वो कितना आ गया जी, जीरो मैट्रिक्स। यहां तक समझ आ गया। अब देखो ये जो ए स्क्वेयर है, राइट हैंड साइड देखो यहां मैं लिखा ए स्क्वेयर, ये जीरो बन गया जी, अगर ये जीरो बन गया तो ये जो पूरी टर्म है ये जीरो बन गई, यहां देखे ये पूरी टर्म जीरो बन गई, अगर ये जीरो है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बना कि ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के, और यहां देखें ये है ए के बी ए, ध्यान दिया आपने ए के बी ए, यहां पे क्या ए के बी ए, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा k प्लस वन इंटू ए की पावर k इंटू बी इंटू ए, अब आपके पास ये रिजल्ट बन गया। ओके अब ध्यान दें क्या हमारा जो आंसर है वो आया जी, यहां देखें फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं जी, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है a i प्लस बी ए होल पावर के प्लस वन, और राइट हैंड साइड में आपने प्रूव कर दिया a की पावर k प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू a की पावर k b इंटू ए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये जो रिजल्ट हमने फाइंड किया क्या ये ओके है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान दें ये क्वेश्चन यहां पे मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया मिला आपको, अब हमने इसे प्रूव करना था के प्लस वन, तो यहां देखिए ए आई प्लस बी ए और होल पावर कितनी एन, यहां पे पावर कितनी आ गई जी के प्लस वन, मतलब हमने प्रूव करना था कि n को रिप्लेस करना है k प्लस वन से, यहाँ पे देखिए ए आई प्लस बी ए और पावर कितनी है k प्लस वन, n की जगह पे क्या आ गया k प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड चेक करें a की पावर n, यहाँ पे देखिए a की पावर कितनी है k प्लस वन,
और इन टू क्या है आई, यहाँ पे भी आई है, आगे प्लस है, यहाँ एन की जगह पे क्या है के प्लस वन, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है ए की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे ए की पावर क्या है के, तो आप एन की जगह के प्लस वन पुट करें, के प्लस वन में से माइनस चल गया था के ही बचेगा ना, और आगे क्या है बी और ए, तो आपका जो रिजल्ट है एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ये आपका हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शायद दिख नहीं रहा है ना, और आपको यहाँ पे है एन इज इक्वल टू के प्लस वन आपका प्रूफ हो गया। तो तीनों स्टेप आ गए। हाँ लाइन इज नॉट विजिबल, हाँ मैंने ना नीचे वाली लाइन को छोड़ दिया, जो ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो अब हमारे तीनों स्टेप हो गए। एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट स्टेप देखे यहाँ पे, तो रिजल्ट ट्रू है आपका, सेकेंड में हमने ज्यूम किया, और थर्ड में हमने प्रूफ कर दिया एन इज इक्वल टू के प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो रिजल्ट है ये क्या है ओके है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर आप चेक देख सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटे। हाँ जी नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए आपको गिवन है एक मैट्रिक्स, ठीक है, हमने प्रूव करना है ए की पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस टू एन माइनस फोर एन एन वन माइनस टू एन, और वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने इसे प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, बाई हेल्प ऑफ पी एम आई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे प्रूव करेंगे। तो चलिए जी सबसे पहले यहाँ पे हम ए की पावर एन जो हमें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं, वन प्लस टू एन माइनस फोर एन एन वन माइनस टू एन, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, और हमने इसे प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो इसे ट्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। तो लीजिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट एन इज इक्वल टू वन, पुट करें जी एन इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे एन की जगह क्या वन आ जाएगा, तो यहाँ ए लिख सकते हैं। सिमिलरली आप जहां जहां अंदर एलिमेंट हैं एन को रिप्लेस करते हैं वन से, तो एन को यहाँ वन से रिप्लेस किया, तो टू इंटू वन टू, टू और वन कितने होते हैं बेटा थ्री, यहाँ पे देखिए माइनस फोर एन है, एन वन आपने पुट किया तो माइनस फोर है, यहाँ पे एन है यहाँ पे वन आ गया, और यहाँ पे वन माइनस टू एन है, एन वन माना आपने तो टू इंटू वन माइनस टू, और ये आ गया माइनस वन। यहाँ पे चेक करें क्या आपको ए जो है वो थ्री माइनस फोर वन माइनस वन गिवन है, अगर गिवन है तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया जी टू। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेप यहाँ पे ले लेता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है जी, अज्यूम करेंगे हम, क्या अज्यूम करेंगे कि रिजल्ट जो है वो ट्रू है के लिए, रिजल्ट जो है ट्रू है के लिए अज्यूम करेंगे, मान लेंगे, अगर मान लेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ए की पावर के, और जहां जहां एन है वहां पे के लिख दूंगा, तो आ गई वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, और ये आप मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। तो यहां तक क्लियर है, दो स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एन रिप्लेस होना चाहिए के प्लस वन से। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, क्या करते हैं अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। हाँ क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है जी यहाँ पे ए के प्लस वन, मैंने क्या किया कि ये जो मुझे टर्म दी थी यहाँ पे फर्स्ट में, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जी ए की पावर एन, लेकिन एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया के प्लस वन से। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड को प्रूव करूंगा, तो ए की पावर के प्लस वन को क्या मैं ए की पावर के इंटू ए ले सकता हूँ। अब आप ए की पावर के की वैल्यू पुट करेंगे, ए की पावर के की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड की है, ये देखिए ए की पावर के किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी वन प्लस टू के माइनस फोर के वन माइनस टू के, ठीक
ओके, और इनटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है कितनी है, 3 - 4, 1 - 1। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है बेटा, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या देखना है कि जो पहले का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने हैं जी, 2, 1 एंड 2, और सेकेंड मैट्रिक्स के जो रो हैं कितने हैं, 1 एंड 2। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेंगे। ओके, तो लीजिए 1 + 2 के को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। कितना बन जाएगा, 3 + 6 के। ओके, फिर -4 के, सेकंड एलिमेंट जो होगा इसका -4 के को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये आ गया जी -4 के, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, रो आपका फर्स्ट ही रहेगा लेकिन अब आपका कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या बन जाएगा, -4 - 8 के। ओके, देन -4 के को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो वो क्या बन जाएगा, +4 के। ये आपके पास दो एलिमेंट बन गए फर्स्ट रो के। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो क्या है, k 1 - 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको और आइडिया ठीक आएगा। अब मैं सेकंड रो ले रहा हूँ, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो ले रहा हूँ और कॉलम कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। तो k से करें मल्टीप्लाई, k को 3 से करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 3 के। ठीक है, और फिर 1 - 2 के को 1 से करेंगे तो जाएगा 1 + 1 - 2 के। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम सेकंड रो ही रह रहेंगे लेकिन कॉलम आपका अब सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो करें मल्टीप्लाई, तो k को -4 से किया तो -4 के, और 1 - 2 के को -1 से करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आएगा जी -1 + 2 के। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे, प्रैक्टिस आपने करनी है इसकी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आ गया जी 3, 6 के और -4 के, दैट इज +2 के। ओके, सेकेंड में देखिए -4 है, -8 के है और +4 के, तो ये आ गया जी -4 - 4 के। और यहाँ पे देखिए 3 के में से 2 के चला गया k+1, और लास्ट वन बन गया -4 के में से 2 के चला गया, तो -2 के - 1, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो राइट हैंड साइड है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको विजिबल अच्छा होगा। ये देखें, अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने, यहाँ पे देखें, और हमने यहाँ से ये कैलकुलेट किया, तो हमने ये चेक करना है कि इसका राइट हैंड साइड आता है, और राइट हैंड साइड आपका सेम यही आना चाहिए। फर्क यहाँ पे क्या आना चाहिए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे k+1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसके रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे, t+2 k है, क्या मैं इसे 1 + 2 * k+1 लिख सकता हूँ। चलिए देखिए 2k + 2 + 1 = 3, सेम चीज यही बनेगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें से मैं -4 कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर आएगा k+1। थर्ड वन देखिए, इसे मैं k+1 ही रहने दे रहा हूँ, और लास्ट वन देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं 1 -
इंटू के प्लस वन, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे वन माइनस टू के माइनस टू, तो ये आपके पास बन जाएगा वन माइनस टू, यहाँ पे एन है, तो आप देखो यहां जहां जहां अब के है क्या वहां वहां पे एन है, चेक करें, तो जहां जहां एन है क्या वहां वहां पे के प्लस वन रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ, चेक करें। देखो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें, यहाँ ए की पावर कितनी है जी, एन, यहाँ ए की पावर कितनी है जी, के प्लस वन, मतलब एन किससे रिप्लेस हो गया, के प्लस वन से। अब देखिए राइट हैंड साइड में आइए जी, ये राइट हैंड साइड में वन, यहाँ पे देखिए वन है, प्लस है, टू है, यहाँ टू है, और एन की जगह पे क्या आ गया, के प्लस वन। सिमिलरली माइनस फोर एन है, यहाँ पे देखिए माइनस फोर के प्लस वन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे के प्लस वन है, और लास्ट वन वन माइनस टू एन है, यहाँ पे है वन माइनस टू इंटू के प्लस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें तीनों से वो स्टेप है प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन के वो फॉलो हुए हैं। अगर फॉलो हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था।